कहते हैं ना, दुखों के बाद खुशियां आती हैं। कोई भी मतलब ऐसा कुछ जो पाना चाहता है आसानी से नहीं मिलता, तो मैंने इनको पाना चाहा, दुख तो बहुत देखे मैंने, बट अब बहुत खुश है जी। सीमा तो शुद्ध देसी की है, कोई पराठे में लगा लो, कोई रोटी में लगा लो, कोई खिचड़ी में लगा लो, कोई देसी की है दाल में डाल लो, कोई सब्जी में डाल लो, जहाँ जिसको। जय श्री राम, राधे राधे, बोल बात। सीमा जी नमस्ते। नमस्ते आशीष भैया। नमस्ते आशीष भैया। नमस्ते जी। सबसे पहले आशीष भैया का कमेंट आता है ना। नहीं, आपने उस दौरान जाने के दौरान कुछ सुना दीजिए। भजन अभी याद कर रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी एक राम जी के लिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। पाकिस्तान में किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था सीमा ने? पति सचिन मीना जी के लिए, क्योंकि ये मेरे पिछले 2 साल से मैं इनको अपना पति मानती थी, ठीक है, क्योंकि सहद्र मुझे छोड़ के जा चुके थे, सचिन को भी पता है। और ये मैं 2 साड़ी ली थी, एक पिंक कलर की एक मेहरून कलर की, इनके लिए करवा चौथ पे। आप पाकिस्तान से सचिन के लिए व्रत रखती आ रही हैं? हालांकि ये था कि मैं खुल के नहीं, बल्कि कमरे में साड़ी पहन के तैयार होती थी, फिर व्रत वगैरह तोड़ के रात के समय में जब बताते थे चांद को पानी देकर, फिर मुझे मतलब मैं खुद ये यहाँ से पानी देते थे, खुद खाते थे, वहाँ से मैं खाती थी, मतलब ये मुझे खिला रहे हैं। अच्छा। ऐसा फीलिंग होता था, पर मैं रख चुकी हूँ। और वो तब मैं तब दुख भी होता था कि काश हम साथ होते, कि सब लोग दिखाते थे ये मना रहे हैं। हाँ। और मैं दूर थी। हाँ। तो तब भगवान से मैं यही कहती थी कि कौन सा दिन होगा हम साथ होंगे, और आज मैं बहुत लकी हूँ कि आज वो जो कभी काश कहती थी आज साथ हैं। बात बन जाती है। हाँ, मेरे अपने खानदान में ही थे। अच्छा। तो उसी की वजह से बतौर सजा पे मुझे दूर। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो जैसे रिश्तेदार होते हैं आपस में शादी कर लेते हैं, वो अरेंज कर लेते हैं ना, लव मैरिज अलाउड नहीं है। तो परिवार वाले तो करवा देते हैं ना, जैसे भाई किसी से प्यार हो गया तो चलो कोई बात नहीं, घर के घर में ही रह जाएगी। चाचा का लड़का हो गया, मामा का लड़का, वो क्लूज हो गया ना, तो उसको अगर आप पसंद भी करते तो करा देंगे शादी, कोई बात नहीं, अपने घर में रहेंगे। अच्छा, वो थोड़े दूर कर रिश्तेदार थे, अपनी कास्ट की थोड़े दूर के थे। अच्छा।